डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे संयोजक कड़ी कनेक्टिव लिंक के बारे में और ये जानेंगे कि कनेक्टिव लिंक संयोजक कड़ी क्या होती है। सरल शब्दों में संयोजक कड़ी एक ऐसा जंतु या पौधा होता है जिसमें दो अलग अलग समूहों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऐसा पौधा या ऐसा जंतु या ऐसा जीव जिसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के या दो अलग अलग समूह के लक्षण मौजूद हों तो उसे हम कनेक्टिव लिंक या हिंदी में संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव लिंक इज एन ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज कनेक्टिव लिंक। अब कनेक्टिव लिंक जो होता है वो पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है, अर्थात जंतु के रूप में भी कनेक्टिव लिंक मौजूद होता है इस नेचर में और पौधे के रूप में भी मौजूद होता है। तो आइए एक एक करके देखा जाए कि कनेक्टिव लिंक के कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है एक्टिनोमाइसिटीज, जो कि एक पौधे के क्लास का नाम होता है, स्पेशली ये फंजाई होती है जो बैक्टीरिया और फंजाई के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। दूसरा है क्लब मॉस, जो कि एक ट्रेडोफाइट है, यह ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट का कनेक्टिव लिंक होता है, अर्थात इसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर मौजूद होते हैं। अगला है साइकस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, यह ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों का कैरेक्टर रखता है, इसलिए इस साइकस को ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। एकिडना, जो कि एक जो है जंतु का नाम है, इसके अंदर रेप्टाइल और मैमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, अर्थात ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का। सीमोरिया, कनेक्टिव लिंक है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच का। नीटम, जो कि एक प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म और एंगियोस्पर्म दोनों का कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिव लिंक माना जाता है जिम्नोस्पर्म और एंगियोस्पर्म के बीच का। अगला है फ्लैट वार्म, ये भी कनेक्टिव लिंक है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच का। टोर्नारिया लार्वा, एक काइनोडर्म और कार्डेट के बीच का कनेक्टिव लिंक है, रिकेट्सिया वायरस और बैक्टीरिया के बीच का, और मिक्सोमाइसिटीज प्रोटिस्टा और फंजाई के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कनेक्टिव लिंक होता है इसका क्या महत्व होता है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक। जैव विकास की प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवधारियों के अंदर होने वाला धीमी गति से ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा वो सरलतम प्रकार से जटिल प्रकार के जीवधारियों में बदल गए, अर्थात सिंपल लाइफ स्टाइल वाले जीवधारियों के शारीरिक स्वरूप में, कार्यकी में, संरचना में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा वो मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के रूप में अपने आप को बदल लिए, इसी परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कनेक्टिव लिंक एक बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है और वो प्रमाण ये है कि जैव विकास का क्रम क्या था और कौन से जीवधारी पहले उत्पन्न हुए और कौन से जीवधारी बाद में उत्पन्न हुए। तो इसके सिग्निफिकेंस में ये बात बहुत मायने रखती है कि ये जैव विकास के एक क्रम को दर्शाता है। जैसे फिश एम्फीबियंस जो हैं इनकी उत्पत्ति फिश से हुई है, मैमल्स जो है इनकी उत्पत्ति रेप्टाइल से हुई है, आर्थ्रोपोड और मोलस्कंस जो है आपके एनिलिड्स से उत्पन्न हुए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कनेक्टिव लिंक की परिभाषा, कनेक्टिव लिंक के एग्जांपल्स और कनेक्टिव लिंक के क्या महत्व है इन तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।